नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे घड़ी यानी क्लॉक। घड़ी आप सब जानते होंगे, घड़ी किस प्रकार की होती है। एक ये होती है सर्कल टाइप में, ठीक है ना, घड़ी होती है आपकी। घड़ी में 60 भागों में यानी कि 60 भागों में विभाजित होती है, लेकिन अपन देखते हैं कि 12 घंटे होते हैं, ठीक है ना। ये 12 घंटे जो हैं ये डिवाइडेड हैं 60 पार्ट में, यानी कि 60 पार्ट में डिवाइडेड हैं, यानी कि 9, 3 इधर, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी घड़ी हो गई, ठीक है ना। इसमें हर यानी कि 12 और 1 के बीच में 5 पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है ना, 5 पॉइंट बने हुए हैं। तो इसमें दो सुइयां होती हैं, ठीक है ना। दो सुइयां कौन सी होती हैं इसमें? एक होती है आपकी छोटी सुई, जिसको बोलते हैं अपन घंटे की सुई। एक होती है इसमें बड़ी सुई, इसको बोलते हैं अपन मिनट की सुई, ठीक है ना। एक हल्की सी पतली सी और होती है, उसको बोलते हैं अपन सेकंड की सुई, ठीक है। यानी कि ये तो हो गई आपकी घंटे की सुई, ऐसे डिनोट करेंगे। मिनट की सुई जो है उसको अपन एम से डिनोट कर सकें, ठीक है ना, और ये वाली जो है उसको सेकंड से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। अब अपन देखते क्या है कि इसमें ये जो है वो 60 पार्ट में डिवाइडेड होती है। तो इसमें अपन देखें, ये हर घंटे में 12, 6, 3 और 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ठीक है ना। ये अपना कोण बनाती है, ठीक है ना। कोण कैसे बनाती है? ये डिवाइडेड है इस तरह से, ठीक है ना। अब अपन को ये देखना है कि ये एक घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है और एक सेकंड में कितना डिग्री कोण बनाती है, ठीक है ना। तो कैसे देखेंगे अपन कि जो घंटे की सुई है जो एक घंटा पूरा करने में 360 डिग्री कोण बनाती है, इसी प्रकार से हम सबसे पहले बात करते हैं सेकंड की सुई की, ठीक है ना। यानी कि सेकंड की सुई कितना डिग्री कोण बनाती है, यानी कि 60 सेकंड में वो 360 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो एक सेकंड में 6 डिग्री कौन बनाएगी, ठीक है, यानी कि 5 सेकंड में वो 30 डिग्री का कौन बनाएगी, ठीक। इसी प्रकार से हम बात करते हैं मिनट की सुई के लिए। मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में 360 डिग्री कौन बनाती है, एक मिनट में 6 डिग्री कौन बनाती है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री कौन बनाएगी, 30 डिग्री कौन बनाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अपन देखें कि घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई वो 12 घंटे में 360 डिग्री कौन बनाती है, तो एक घंटे में वो 30 डिग्री कौन बनाती है। अब घंटे की सुई एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनाती है, यही घंटे की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, यानी कि एक मिनट में 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री कोण बनाएगी। यानी कि यहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि जो घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई के साथ में वो 30 डिग्री कोण बनाएगी, लेकिन ये जो है मिनट के साथ में भी मूव करेगी यानी घूमेगी, तो वो हाफ डिग्री कोण बनाएगी साथ में, ठीक है ना। तो अब अपन इसमें देखना क्या है कि अपन ट्रिक से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ये फॉर्मूला क्या है कि अगर हमको ऐसे फाइंड आउट करना है एंगल, तो एंगल कैसे निकालेंगे, 30 आवर्स यानी 11/2 मिनट, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एक घंटे की सुई को बताता है और ये क्या बताता है आपके मिनट की सुई को, ठीक। अब इसमें अपन जैसे क्वेश्चन करें, ठीक है ना, क्वेश्चन किस तरह से करेंगे कि
सात बज के 20 मिनट हो रही है, ठीक है ना। तो बताइए कि इसमें एंगल कितना बनेगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसे देखूं फॉर्मूले से, तो कैसे देखेंगे अपन, 30 × 7 − 11/2 इंटू मिनट कितनी है 20, यानी कि इसको काटा क्या आएगा 10, 7 किया 21 माइनस के और 110, यानी क्या आ गया 100 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। डायरेक्टली फॉर्मूला इस तरह से हो गया। अपन इसको दूसरी तरह से करें तो कैसे करेंगे, दूसरी तरह से ऐसे करेंगे इसको कि ये दे रखा है आपको 7, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस अपन फॉर्मूला याद नहीं रहता तो कैसे करेंगे, तो 7 दे रखा है, मैंने बताया कि एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो 30 को 7 से गुणा किया, ठीक, प्लस मैंने बताया कि घंटे की सुई है वो मिनट के साथ में 1 डिग्री आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट के साथ में कितना डिग्री बनाएगी, 10 डिग्री का कोण बना देगी, यानी कि 20 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, 10 डिग्री का कोण बना देगी। इसको माइनस करेंगे किसमें के, 20 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, जब 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, 6 × 12, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 20 × 6, इसको सॉल्व किया आया 10, 7 किया 21, यानी कि 220 माइनस के 6 × 12, यहाँ से क्या आ गया अपना 100 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है ना। ये तो कोण क्या कहलाएगा अपना, दीर्घ कोण, ठीक है ना। अगर इसको बोलेंगे अपन दीर्घ कोण, ठीक है। अगर मेरे को बोलता है कि वृत्त कोण क्या होगा, वृत्त कोण क्या होगा, तो वृत्त कोण कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में मैं अगर 100 को घटा दूंगा तो 260 जो आएगा ये क्या कहलाएगा, वृत्त कोण कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन करेंगे और अपन और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तीन बज के 40 मिनट, ठीक है, 3:40 हो रहे हैं, तो इस पर कोण कितना बनेगा, ठीक है ना, कोण याद करना है। तो कोण कैसे याद करेंगे अपन, ये भाई ट्रिक से देखें, ट्रिक से कैसे देखेंगे, ये तीन भाई एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनता है, तो 3 घंटे में कितना बनाएगा 90, ठीक है, प्लस घंटे की सुई मिनट के साथ में हाफ डिग्री कोण आती है, तो यानी कि 40 में कितना बनाएगी 20, इसको माइनस करेंगे किससे, मिनट की सुई से, एक मिनट में 6 डिग्री कोण आता है, 40 मिनट में कितना बनाएगा 6 × 24, ठीक है। इसको किया क्या आ गया 110 माइनस के 240, यानी कि 130 डिग्री का, यानी कि एंगल क्या निकल के आ गया, 360 में के अगर 130 घटाएंगे क्या आ गया अपने पास में 230 डिग्री, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन मेथड ट्रिक फर्स्ट से। अगर ट्रिक सेकंड, एक ये बात याद रखो कि मैंने ये बताया था सर्कल वाले में कि जो एंगल है, यानी कि ये 12 है, ये आपका 6 बज रहा है, इधर 3 है, इधर 9, इधर इसको डिवाइडेड है, ठीक है, इस तरह से है। यानी कि मैंने बताया कि एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनाएगा, ठीक है, एक घंटे में 30 डिग्री कोण बनाएगा, यानी कि ये जो एक घंटा हुआ है ये, ठीक है ना, ये कितने बना रहा है 30 डिग्री कोण, 2 घंटे में 60 डिग्री कोण, और ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। तो इस तरह से ये टोटली कितना हो जाएगा अपना, ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। अब आगे क्वेश्चन करते हैं कि इसमें और देखते हैं एक और क्वेश्चन कि 9:15 हो रही है, ठीक है ना। तो 9:15 पे कितना डिग्री कोण बनेगा कि देखो, सबसे पहले क्या करना है, 9 को 3 से 30 से गुणा कर देना है, 9 × 3 = 27, ठीक है, प्लस करेंगे 15 में 2 का भाग देंगे माइनस करेंगे, 15 जो मिनट हैं उसको गुणा करेंगे 6 से, ठीक है, क्या आ गया 7.5, यानी कि 277.5 माइनस के 15 × 6 = 90, इसको घटाया तो क्या आएगा अपने पास में,
पांच सात आठ और 187.5 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। ट्रिक सेकेंड, क्वेश्चन इस टाइप का है तो क्या करेंगे अपन, तीन और चार के बीच में, तीन और चार बजे के बीच में सीधे, मतलब चार और पांच बजे के बीच किस समय, बीच किस समय सुइयां एक साथ होंगी, ठीक है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको कैसे करेंगे अपन, इसको ट्रिक से करेंगे अपन। ट्रिक सेकंड कैसे करेंगे, इसकी जो छोटी संख्या है तीन और चार की, जो सबसे जो छोटी संख्या होगी उसको क्या करेंगे अपन, पांच से गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या आ गया, पंद्रह, ठीक है ना। इस पंद्रह को गुणा करेंगे 12/11 से और उसको सोल्व कर देंगे, तो क्या आ गया, 15 × 30, 15 × 18/11, क्या आएगा, 11 × 11 = 66, 4/11। तो यानी कि ये क्या निकल के आया कि तीन बजकर के सोलह से चार बटे ग्यारह मिनट पर ये सुइयां जो हैं एक साथ में होंगी, ठीक है। यानी कि 3:16 से 1/11 मिनट पर सुइयां एक साथ में होंगी। अगर इसी तरह से और देखें कि 7 और 8 के बीच में, यानी कि 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में सुइयां कब एक साथ में होंगी, तो इसको कैसे करेंगे कि फर्स्ट सबसे जो छोटी संख्या होगी उसको 5 से गुणा कर दो, 7×5=35। अब इसको क्या कर देना है, 12/11 से गुणा कर देंगे, क्या गया, 12×5=60, 12×3=36, 42/11, 11×3=33, 9×8=28, 2/11 मिनट। यानी कि 7:38 से 2/11 मिनट पर ये एक साथ में होंगे, ठीक। अब एक चीज का और ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन में इस टाइप का पूछ लेते हैं कि जो दोनों सुइयां हैं, ठीक है ना, मिनट की सुई और घंटे की सुई, जब एक दूसरे के संपाति में हो तो 12 घंटे में कितने बार ऐसी कंडीशन मिलेंगी उनको, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, दोनों सुइयों की स्थिति, ठीक है, कौन और कितने 12 घंटे में कितनी बार मिलते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं अपन संपाति, ठीक है ना। संपाति का मतलब है 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो संपाति यानी कि 0 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा 12 घंटे में, 11 बार, ठीक है। इसी प्रकार से अपन देखें कि समकोण कितने बार बनेगा, यानी कि 90 डिग्री 12 घंटे में कितने बार बनेगा, 22 बार, ठीक है ना, एक घंटे में 2 बार बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें विपरीत दिशा में यानी कि 180 डिग्री कितने बार बनेगा, 11 बार, ठीक। अगर बात करें सीधी रेखा में या तो 0 होगा या 180 डिग्री होगा, वो कितने बार बनेगा, 22 बार, यानी कि 12 घंटे में कितने बार बनेगा, 22 बार। ये चीज समझ में आ गई, अब देखो, ठीक है ना, कंडीशन, ठीक है ना, चीज याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेते डायरेक्टली। अगर इसकी जगह जैसे पूछ लेता 24 घंटे में कितने बार, इनका डबल कर देना है, ठीक है। अब यह हुआ है कि 9 और 10 बजे के बीच में
सीधी रेखा में कितना डिग्री कॉमन आएगा, यानी सीधी रेखा में है परंतु विपरीत दिशा में नहीं है, परंतु विपरीत दिशा में नहीं है, तो टाइमिंग क्या होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे अपन, कि सबसे पहले जो छोटी संख्या दी हुई है यहाँ पे, सीधी रेखा का मतलब क्या है, जीरो डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर विपरीत दिशा में होता तो मतलब है कि वो 180 डिग्री में, तो उसने बात करी कि सीधी रेखा में एक दूसरे में ओवरलैपिंग होगा यानी संपाति होंगे वो कब होंगे, ठीक है ना, कितना समय होगा उस टाइम पे। तो सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको क्या कर देना आपको, 5 से गुणा कर देना, यानी क्या आएगा 45, इसको गुणा कर देना आपको उनको 12/11 से, इसको सोल्व किया तो क्या आएगा 12×60 1248 और 6×54 11 11×44 88 2/11 मिनट, यानी कि 9:48 2/11 मिनट पर एक दूसरे के सीधी रेखा में होंगे, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन इस तरह का दे रखा है कि 5 और 6 बजे के बीच में, 5 और 6 बजे के बीच में क्वेश्चन रहेगा, 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक साथ, घड़ी की सुइयां एक साथ एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर है, एक दूसरे से 3 मिनट की दूरी पर है, ठीक है ना। पर तो कैसे करेंगे, ये सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको क्या करेंगे अपन, 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इसको क्या निकालेंगे, 12/11 यानी क्या निकल के आएगा, 12×5=60 12×24=30 क्या क्या 11×22 8×11=77 3/11 मिनट। अब बात कर रहा 3 मिनट की दूरी पर है, ठीक है ना। तो 3 मिनट का निकालेंगे अपन, 3 गुणा करेंगे उसको 12/11 से, क्या आ गया 12×36/11 यानी 11×33 3/11। अब इसमें क्या करेंगे, इसको अपन घटा देंगे, यानी कि 27 3/11 में के 3 3/11 को मैंने घटाया तो क्या आ गया मेरे पास में 24 मिनट। तो 5 और 8 के बीच में जो सुइयां होंगी वो 24 मिनट सही टाइम बताएगी, ठीक है ना। 5 और 5/24 मिनट सूर्य का सही टाइमिंग होगा, मिलेगा एक दूसरे के ओवरलैपिंग में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन होता कि 5 और 9 5 और 9 और 10 बजे के बीच में, 9 और 10 बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होंगी, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, जो कंडीशन है, ठीक है ना, कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर संपाति है एंड ओवरलैपिंग है तो 0 मिनट से उसको घटाएंगे, अगर समकोण है तो 15 मिनट से उसको घटाएंगे, ठीक है ना। अगर सीधी रेखा में है या विपरीत दिशा में है तो 30 मिनट से उसको घटा देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे रहा है कि विपरीत दिशा में कब होंगी, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे अपन, कि सबसे पहले जो छोटी संख्या है उसको क्या करेंगे अपन, 5 से गुणा करेंगे, क्या आ गया मेरे पास में 45 को जो विपरीत दिशा में है यानी कि 30 से उसको कम करेंगे, क्या आ गया मेरे पास में 15 को गुणा करेंगे अपन 12/11 से, क्या आ गया 15×30 15×15 18 11 11 11 6 66/11 यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होंगे, 9 बज करके
16 सही 4/11 मिनट पर ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे इस समय। ठीक है, और इसी तरह से हम और क्वेश्चन देखे हैं कि 7 और 8 बजे के बीच में, अगर इसकी जगह बोल देता कि 7 और 8 बजे के बीच में विपरीत दिशा में कब होंगे तो कैसे निकालेंगे। 7 और 8 है तो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले 7 को 5 से गुणा करेंगे, यानी क्या आ गया मेरे पास में 35। इसको 30 से कम किया क्या आ गया 5, गुणा किया 12/11 से 12 60/11, 5 सही 5/11 मिनट पर, यानी कि 7 बज करके 5 सही 5/11 मिनट पर यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे इस समय। ठीक है, सो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। अगर इसकी जगह और बोलते हैं अपन कि 4 और 5 बजे के बीच में घड़ी के विपरीत दिशा में कब होंगी, अगर इसकी जगह बोल देता 4 और 5 पे तो कैसे करते अपन, 4 और 5 इसके बोल देता 4 और 5 बजे के बीच में सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होंगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले छोटी संख्या को 5 से गुणा कर देना, यानी क्या आ गया मेरे पास में 20। विपरीत दिशा का मतलब 30 मिनट। अब यहाँ पे यानी कि ये कंडीशन वैल्यू है और ये क्या है मेरे पास में ग्रॉस वैल्यू, यानी कि जो अपन को दे रखा है। ठीक है ना, तो जब ये कंडीशन बनती है कि जो गिवन वैल्यू यानी कि दी हुई वैल्यू वो अगर कम है कंडीशन से, यानी कि इस कंडीशन से, तो क्या कर देंगे अपन इनको दोनों का ऐड कर देंगे, यानी कि उसको जोड़ करेंगे। ठीक है ना, यानी कि 20 में मैं 30 को जोड़ करूंगा तो क्या आ गया मेरे पास में 50। ठीक है, 50 का गुणा करेंगे 12/11 से, यानी कि 12 50 60 क्या गया 11 50 55 11 44 44 54 सही 6/11 मिनट, यानी कि 4 बज करके 54 सही 6/11 मिनट पर ये एक दूसरे के क्या होंगे विपरीत दिशा में होंगे। अगर इसकी जगह अपन क्वेश्चन बोल देता कि समकोण, ठीक है ना, समकोण बोल देता तो क्या करते अपन, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है इसमें विपरीत दिशा का ना पूछ करके समकोण दिशा में कब होंगे। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले छोटी संख्या को 5 से गुणा कर देना है, क्या आ गया 20। ठीक है, 20 आ गया, इसको क्या करेंगे अपन 15 से घटाएंगे तो क्या आ गया मेरे पास में 5, 5 को 12/11 से गुणा कर देना है, क्या आ गया मेरे पास में 12 5 60/11, यानी कि 5 सही 5/11 मिनट, यानी कि क्वेश्चन ये वो मतलब निकला 4 बज करके 5 सही 5/11 मिनट पर वो क्या बनाएगा समकोण। ठीक है, इसमें और देखें कि जैसे कि मैं बात करूं 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में कब एक दूसरे मतलब वो समकोण बनाएगी, तो कैसे करेंगे कि 1 सबसे छोटी संख्या को 5 से गुणा कर देना है, क्या आ गया 5 समकोण में 15 मिनट। ठीक है ना, अब यहाँ पे मेरे पास में जो कंडीशन वैल्यू है वो ज्यादा है किससे, गिवन वैल्यू से, क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, क्या आ गया मेरे पास में 20। 20 को गुणा करेंगे 12/11 से 240/11, यानी कि 11 2 22 11 1 11 9/11 मिनट, यानी कि 1 बज करके 21 सही 9/11 मिनट पर वो क्या बनाएंगे समकोण बना देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन। अब अपने दो ट्रिक हो गई इसमें, ठीक है ना, अब बात करते हैं ट्रिक थर्ड की। ठीक है ना, ट्रिक थर्ड में मतलब यह है कि जैसे कि कोई घड़ी दी हुई है वो आगे पीछे हो जाती है तो उस कंडीशन में अपन क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक घड़ी है, ठीक है ना, एक घड़ी है, क्वेश्चन है एक घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे पीछे हो जाती है। ठीक है ना, पीछे किस तरह सोल्व करेंगे अपन,
कि एक घड़ी 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो रही है, ठीक है ना, हो जाती है। यदि सुबह 5 बजे उसको सही समय पर मिलाया दिया जाता है तो चौथे दिन रात्रि को 10 बज रहे थे, तो सही समय क्या हो रहा था उस टाइम पे। तो अपन निकालते हैं कि फर्स्ट डे 5 बज रहे थे, ठीक है ना, तो सेकंड डे 5 बज के 10 मिनट पर कितने घंटे हो गए, 24 आवर, ठीक है। थर्ड डे 3 AM, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना हुआ, फिर 24 घंटे। फिर फोर्थ डे यानी कि सुबह 5 बजे तक फिर से 24 घंटे। फिर क्या बोलता है कि यहाँ पे मेरे कितने घंटे हुए, 72 आवर। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिलाया जाता है चौथे दिन रात्रि के 10 बजे, यानी कि PM हो रहा था, तो रात्रि के 10 से यहाँ तो अपन बात हो गई 5 बजे तक की, तो इसके ऊपर का टाइम कितना हो गया, 5 से 7 और 10 17, ठीक है ना, 17 आवर। टोटल घंटे कितने हो गए मेरे पास में, 89 आवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह देखेंगे अपन, ये तो हो गए घंटे की बात, ठीक है ना, कितने घंटे टोटल कितने घंटे हुए, 89, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे गलत समय, ठीक है ना, गलत समय और ये सही समय। गलत समय क्या है कि 16 मिनट पीछे है, यानी कि राइट समय कितना हो रहा था, 23 बज करके 44 मिनट, ठीक है, 23 बज के 44 मिनट हो रही थी। सही समय क्या बता रहा था, 24 घंटे। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 23 44/60, यानी कि इसको काटा 11/15। इसको सोल्व किया तो क्या आ गया मेरे पास में, 15 3 45 4 15 3 4 34 और प्लस 11/15 यानी कि 356/15 आवर्स बराबर 24। तो 1 घंटे में कितना कमा लिया उसने, 356, फिर इसको 15 को मैं ऊपर ले गया तो 24 × 15/356 हो गए। यानी कि 1 घंटे में वो कितना का ओवरलैपिंग वो कर रहा, आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अपन कैसे निकालेंगे इसको, सोल्व करेंगे तो सोल्व कर ले, नहीं तो नहीं रहने दे, ठीक है ना। तो अपना जो टोटल समय है, यानी कि ये तो बात हो गई 1 घंटे में, ठीक है ना, तो 89 घंटे में कितना समय करेगा, तो इसको क्या करेंगे अपन, 89 से गुणा कर दूंगा मैं इसको, कितना बार करा, 4 बार, ठीक है, 4 6 24 15 6 9, यानी कि यहाँ पे जो ये निकल के आ गया टोटल समय निकल के आ गया, यानी कि टोटल समय कितना हो गया 90, लेकिन यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है मेरा, 89, यानी कि जब वो 16 मिनट पीछे हो रही है घड़ी की, तो 90 घंटे का फिर बदल हो गया, यानी कि उस समय जो राइट टाइम हो रहा था 10 बज रहे थे, तो यानी कि 89 और 90 में डिफरेंस क्या हो गया मेरा, 1 घंटे का डिफरेंस हो गया, यानी कि उसमें उस समय जो राइट समय होगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा मेरा, 11 बज करके 11 बजे, ठीक है ना, यानी कि वो जो इतने घंटे में 89 में 1 घंटे का पीछे हो जाती है। तो अपन उसको आगे करेंगे, पीछे हो रही है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, अगर आगे होती इसकी जगह होता अपना कि आगे, ठीक है ना, आगे होती तो क्या कर देते इसका, 9 बजते उस टाइम पे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन करेंगे अपन, अगर इसकी जगह अपन को ट्रिक से सोल्व करना है उसको क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे ट्रिक से, ट्रिक से करना था इस क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे, ऊपर आता है आपका अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो उसको कैसे करेंगे कि रॉन्ग समय, ठीक है ना, गलत समय, करेक्ट समय C/W × टोटल टाइम, ठीक है ना, यानी कि कुल समय, करेक्ट यानी कि राइट समय कितना हो रहा था वो, रॉन्ग कितना चल रहा था वो, गुणा टोटल समय, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें करेक्ट समय कितना हो रहा था मेरा, 24 बज रहे थे, ठीक है ना, रॉन्ग कितना चल रहा था,
23 बजकर के 44 मिनट, टोटल समय कितना था 89। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, या फिर लैग यानी कि आगे और पीछे, आगे या फिर पीछे गुणा बटे में सही समय, आगे पीछे फिर यहाँ तक गलत समय, ठीक है ना, और गुणा में कुल समय। यानी आगे पीछे कितना हो रहा था 16 मिनट, गुणा गलत समय बटे में गलत समय और कुल समय, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। अगर इससे सोल्व करें कि आगे पीछे कितना हो रहा, यानी कि 16 मिनट गलत समय क्या था मेरा 23 बज करके 44 मिनट, कुल समय कितना 89। यानी कि इसको सोल्व किया तो क्या है अपने पास में कि 16 बटे, इसको सोल्व किया तो क्या था अपना 356/15 और गुणा कुल समय कितना 89। यानी कि 16 × 15 = 356 गुणा में 89, इसको काटा 4 पर काटा 4 चौका 16, कितना गए 60 मिनट। यानी कि 60 मिनट उसको आगे करना पड़ेगा समय को, ठीक है ना। तो उसका करेक्ट समय क्या हो जाएगा मेरे पास में 11, ठीक है। तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तरह का बता दिया, क्वेश्चन इस तरह का दिया हुआ है कि 1 सुई है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, कि एक घड़ी है प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, सेकंड की सुई है वो 1 मिनट के अंदर में कितने कोण का चक्कर लगाएगी, कैसे करेंगे कि एक सेकंड में कितने डिग्री कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी, एक सेकंड में 6 डिग्री कोण बनाएगी। तो 60 सेकंड में कितना डिग्री का बनाएगी, 360 डिग्री का, यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री बना रही है 360 डिग्री का बना रही है, 5 मिनट बढ़ जाती है, ठीक है ना, कितनी बढ़ रही है 5 मिनट बढ़ रही है। तो 5 मिनट में एक मिनट में 360 डिग्री का बनाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं, ठीक है ना। तो ये 5 मिनट में कितने का बनाएगी इसको, यानी कि 1/60 × 5, प्रत्येक प्रत्येक सेकंड का अंतराल अब 1 डिग्री, ठीक है ना, प्रत्येक सेकंड का अंतराल कितना होगा 1 डिग्री। तो एक घंटे में 5 मिनट बढ़ रही है, मतलब क्या है कि 5/60, कि 5/60 से वो बढ़ रही है, ठीक है ना। तो 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी, कैसे निकालेंगे, एक घंटे में इतना डिग्री का वो बनाती है तो 5/60 × 360 इसको काटा 6×5=30 डिग्री कौन बनाएगी, यानी कि 5 मिनट के अंदर कितने बना रहा है 30 डिग्री।
360 प्लस 38 यानी कि 390 डिग्री का चक्कर लगाएगी, ठीक है ना, टोटली। या फिर इसको अपन डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे कि अपन को मालूम है कि एक सेकंड में 6 डिग्री कौन बनता है, ठीक है ना, कितना बनता है, या फिर एक मिनट में 6 डिग्री कौन बनता है, एक मिनट में कितने डिग्री बनता है, एक मिनट में 6 डिग्री कौन बनता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री कौन बनाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक घड़ी प्रति घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, ठीक है ना, एक घंटे में, तो यानी कि एक घंटे में कितना डिग्री कौन बना, 360 डिग्री कौन बना, ठीक है ना, 5 मिनट बढ़ जाती है मतलब 30 डिग्री कौन और बढ़ जाता है, तो टोटली कोण कितना बढ़ गया मेरे पास में, 390 डिग्री कौन बन गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर सिंपली। तो इस तरह से अपन को आंसर निकल कर आता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।